अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिर्फ तुम ड्रामे की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हनान और अबीर की शादी तो हो जाती है, लेकिन हमजा अबीर और हनान को दूर करने की हर कोशिश करता है और अबीर को जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। तो वो अबीर को ये भी बता देता है कि हनान किसी और को पसंद करता था और उसका नाम सारा है। अबीर तो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है और हनान से सवाल करती है कि आखिर तुम दोनों भाइयों को मैं ही मिली थी जलील और रुस्वा करने के लिए। एक भाई शादी करने से इनकार कर देता है और दूसरा भाई किसी और को पसंद करता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे शादी कर लेता है, ऐसा क्यों? हनान को तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि आखिर हमजा ये सब कुछ भी कर सकता है। अबीर को लेकर हनान और हमजा के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो जाती है। हनान हमजा से कहता है कि तुम मेरी बीवी से दूर रहो, अगर तुम मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम अबीर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत ही करते थे तो तुम अबीर को छोड़कर ही क्यों गए? हमजा हनान से कहता है कि मैं अबीर को तुमसे छीन कर ही रहूँगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, और तुम अपनी सारा के पास ही जाओ तो क्योंकि तुम सारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। तो व्यूवर्स, आपको इस ड्रामे में करेक्टर कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।